Very good morning, 6th class students. How are you, my dear students? I wish for your good health. Students, welcome again to the science class. This is our chapter 13 of science book, that is Fun with Magnets. Today we are going to start with magnets. Students, what do you mean by magnet? Magnet is a material or object that produces a magnetic field. This magnetic field is invisible, but it is responsible for the most notable property of a magnet, that is, a force that pulls on other ferromagnetic materials such as iron and attracts or repels other magnets. Students, magnet kya hai? Magnet ek aisa object hai jo ki magnetic field produce karta hai. Aur ye magnetic field dikhai nahi deti beta. But ye responsible hoti hai kiske liye? Ek aisi force ke liye jo ki apni taraf ferromagnetic substances jaise ki iron, निकल, कोबाल्ट, इनको क्या करता है? अट्रैक्ट करता है, अपनी तरफ खींच लेता है. डिस्कवरी, इसकी डिस्कवरी कैसे हुई बेटा? देखो, इट इज सेड दैट देयर वाज अ शेफर्ड नेम मैग्नेस हु लिव्ड इन एंशिएंट ग्रीस. ही यूज्ड टू टेक हिज हर्ड ऑफ शीप एंड गोट्स टू द नियर बाय माउंटेन्स फॉर ग्रेजिंग. ही वुड टेक a stick with him to control his herd. Their stick had a small piece of iron attached at one end. One day he was surprised to find that he had to pull hard to free his stick from a rock on the mountain side. It seemed as if the stick was being attracted by the rock was a natural magnet and it attracted the iron tip of the shepherd's stick. It is said that this is how natural magnets was discovered. हाँ जी बेटा, एक शेफर्ड था मैग्नेस, वो कहाँ रहता था? ग्रीस में. एक दिन वो अपनी शीप और गोट्स को लेके माउंटेन्स पे गया और फिर उसने वहाँ पे उसकी स्टिक जो ली उनको कंट्रोल करने के लिए, उस स्टिक के ऊपर छोटा सा आयरन का पीस अटैच कर रखा था. अब क्या हुआ, एक दिन उसकी जो स्टिक थी वो एक रॉक से टकराई सडनली और फिर वो वहीं पे अट्रैक्ट हो गई, वहाँ पे स्टिक कर गई और शेफर्ड को थोड़ा जोर लगाना पड़ा अपना उसको रॉक से हटाने के लिए. तो फिर ऑब्जर्व किया उसने कि यहाँ पे कुछ, मतलब ऐसी इस रॉक के अंदर प्रॉपर्टी है जो आयरन के पार्ट को क्या कर रही है? अट्रैक्ट कर रही है. इस तरह से मैग्नेट्स क्या हुए? डिस्कवर हुए. और वो रॉक जो थी वो मैग्नेटाइट रॉक थी. मैग्नीज के नाम पे ही उस रॉक का नाम रखा गया मैग्नेटाइट, जिसके अंदर मैग्नेटिक मटेरियल था. इन मैग्नीशिया रॉक्स कंटेन्ड लार्ज नंबर ऑफ ब्लैक स्टोन्स विच हैड द पावर टू अट्रैक्ट पीसीज ऑफ आयरन. एक मैग्नीशिया में ऐसी रॉक्स अवेलेबल हैं जो कि आयरन के पीसीज को अट्रैक्ट करती हैं. द ब्लैक स्टोन came to be known as lodestone or the leading stone because of the way it could be used to find directions. Today it is known as the mineral magnetite and is found in many countries. Magnetic and non-magnetic materials. Beta, magnetic substances kya hote hain? Magnetic materials are the materials which get attracted towards the magnets. जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं वो मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं. फॉर एग्जांपल, कॉपर, आयरन, निकल. मैग्नेट्स कैन अट्रैक्ट और रिपेल मैग्नेट्स एंड कैन अट्रैक्ट एनी मैग्नेटिक मटेरियल इवन इफ
इट इज नॉट मैग्नेटाइज्ड. नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स सच एज वुड, पेपर, प्लास्टिक एंड मोस्ट मेटल्स डोंट गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स मैग्नेट. नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स कौन से होते हैं बेटा? नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स आर द मटेरियल्स विच डोंट गेट अट्रैक्टेड, जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होते. अब मैग्नेटिज्म का टेस्ट क्या है बेटा? कंपास. वी कैन यूज अ कंपास टू फाइंड आउट वेदर अ सब्सटेंस इज मैग्नेटिक और नॉट. वन एंड ऑफ द कंपास नीडल नॉर्मली पॉइंट्स टू द नॉर्थ. इफ द मैग्नेटिक सब्सटेंस कम क्लोज टू द नीडल, इट विल मेक द नीडल टर्न. मैग्नेटिक कंपास बेटे जनरली नॉर्थ की तरफ पॉइंट आउट करती है, और जब आप मैग्नेट को उसके क्लोज लेके आओगे, यानी मैग्नेट के टू पोल्स होते हैं, वन इज नॉर्थ पोल, वन इज साउथ पोल. नॉर्थ पोल नॉर्थ पोल को रिपेल करता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल को अट्रैक्ट करता है, और साउथ पोल को रिपेल करता है. इसी तरह से देखो, जब मैग्नेटिक नीडल उसके पास आई तो नॉर्थ पोल शिफ्ट कर गया ना. और इधर क्या है, नीडल के इस साइड जो आपको व्हाइट लाइन दिखाई दे रही है, व्हाइट नीडल, वो साउथ पोल है. क्लियर? टेस्ट फॉर मैग्नेटिज्म रिपल्शन. देखो, अगर आपने टू मैग्नेट्स लिए तो एवरी मैग्नेट हैज टू पोल्स, वन इज नॉर्थ वन इज साउथ. आप चेक कर सकते हैं, नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा, साउथ पोल को रिपेल करेगा, नॉर्थ पोल साउथ पोल को, और साउथ पोल नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करेगा. आप देख सकते हैं बेटे, अट्रैक्शन का मतलब वो एक दूसरे के क्लोज आएंगे और स्टिक कर जाएंगे. बट आप जब उन मैग्नेट्स को ऑपोजिट कर दोगे, दोनों के रिवर्स कर दोगे, तो क्या हो जाएगा, वो फिर सेम एंड्स दे विल रिपेल. मतलब एक दूसरे को आप जितना मर्जी कोशिश कर लो क्लोज करने की, वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे और एक दूसरे को धक्का मारेंगे, मतलब पीछे हो जाएंगे, दोनों के बीच में डिस्टेंस रहेगा. मैग्नेटिक कंपास, हाँ जी, मैग्नेटिक कंपास क्या करती है? मैग्नेटिक कंपास जो है पॉइंटर टू मैग्नेटिक नॉर्थ, द लोकल मैग्नेटिक मेरिडियन, नॉर्थ की तरफ पॉइंट आउट करती है. बिकॉज द मैग्नेटाइज नीडल एट इट्स हर्ट अलाइंस इट्सेल्फ विद द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड. द मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट्स अ टॉर्क ऑन द नीडल, पुलिंग वन एंड और पोल ऑफ द नीडल अप्रॉक्सीमेटली टूवर्ड्स द अर्थ्स नॉर्थ मैग्नेटिक पोल एंड पुलिंग द अदर टूवर्ड द साउथ मैग्नेटिक पोल. ठीक है, अब जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या करती है, वो एग्जर्ट करती है टॉर्क ऑन द नीडल, नीडल के ऊपर टॉर्क एग्जर्ट करती है, वन एंड को पुल करती है, ठीक है, और पोल ऑफ द नीडल को कहाँ पे, टुवर्ड्स द अर्थ नॉर्थ मैग्नेटिक पोल, अर्थ के नॉर्थ मैग्नेटिक पोल की तरफ, ठीक है, और दूसरे को अर्थ के साउथ मैग्नेटिक पोल की तरफ. नीडल जो है इट इज माउंटेड ऑन अ लो फ्रिक्शन पाइवोट पॉइंट. इन बेटर कंपासेस अ ज्वेल बियरिंग सो इट कैन टर्न इजिली. व्हेन द कंपास इज हेल्ड लेवल द नीडल टर्न्स अंटिल आफ्टर अ फ्यू सेकेंड्स टू अलाउ ऑसिलेशंस टू डाई आउट. इट सेटल्स इनटू एन इक्विलिब्रियम ओरिएंटेशन. अट्रैक्शन एंड रिपल्शन देखो, ठीक है, वही नॉर्थ पोल को क्या करेगा, रिपेल, साउथ पोल को क्या करेगा बेटा, रिपेल, नॉर्थ पोल साउथ पोल को अट्रैक्ट करेगा. ठीक है, ऑपोजिट पोल्स अट्रैक्ट एंड सेम पोल्स रिपेल. अब देखो, अगर एक मैग्नेट है, सपोज आप उसको कट कर दें सेंटर से, तो क्या होगा बेटे, तो जहाँ से आप कट करेंगे, जैसे आपने नॉर्थ पोल साइड से कट किया, तो वहाँ पर क्या होगा, वहाँ पे साउथ पोल क्रिएट हो जाएगा सेंटर में से. और अगर आपने साउथ पोल साइड से कट किया, तो सेंटर में से साउथ पोल साइड से नॉर्थ पोल क्रिएट हो जाएगा. ठीक है, न्यू मैग्नेटिक पोल्स आर डेवलप्ड एट ब्रोकन एंड्स. ब्रोकन एंड्स जो होंगे वहाँ पे न्यू पोल्स डेवलप हो जाएंगे. क्लियर? यूजेस ऑफ मैग्नेट. इट इज यूज्ड इन अ कंपास टू फाइंड डायरेक्शंस. देखो, एंशियंट टाइम्स में, जैसे कि एक चाइना में
एक चाइना का जो एम्परर था हुआंग टी, उसने क्या किया, उसने एक चैरियट विद डायरेक्शन ऑफ फाइंडिंग स्टैचू बनाया। वहाँ पे बेटा उसने स्टैचू का हैंड लेडी बनाई, हैंड किस तरफ कर दिया, उसने स्टैचू का हैंड ऐसे एक डायरेक्शन में कर दिया, साउथ डायरेक्शन में कर दिया, कि आप कहीं भी टर्न ले स्टैचू का हैंड साउथ डायरेक्शन में ही रहेगा, पॉइंटेड, इट ऑलवेज पॉइंटेड टुवर्ड्स द साउथ। सो इस तरह से वो अलग अलग डायरेक्शंस को लोकेट कर पाया और वे टू गो एनीवेयर, ठीक है, ही वांट्स। तो इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं बेटा जो हम करेंगे। यूजेस, तो इस तरह से यूजेस में ये भी एक यूज़ है कि डायरेक्शन फाइंड आउट करने में हमें हेल्प करता है ये मैग्नेट। इट इज़ यूज इन फैक्ट्रीज फॉर लिफ्टिंग हैवी मासेज ऑफ आयरन। जो आयरन का बहुत हैवी मास होता है वहाँ पे क्रेन पे क्या करते हैं बेटा, मैग्नेट लगा देते हैं और फिर आयरन को, वो आयरन को क्या कर लेता है, स्टिक हो जाता है आयरन उसके ऊपर, अट्रैक्ट हो जाता है, तो फिर वो इससे उसको लिफ्ट करते हैं। इट इज़ यूज बाय सर्जन्स इन हॉस्पिटल्स टू रिमूव स्टील स्प्लिंटर्स फ्रॉम द वूंड्स, ठीक है। इट इज़ यूज इन कंस्ट्रक्शन ऑफ टेलीफोन्स एंड इलेक्ट्रिकल बेल्स एक्सेट्रा। इट इज़ यूज टू सेपरेट आयरन एंड स्टील फ्रॉम नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। इस तरह से इसके बहुत सारे यूजेस हैं मैग्नेट्स के। ओके स्टूडेंट्स, सो आप सभी ये चैप्टर बहुत ध्यान से पढ़ेंगे, रीड द एनसीईआरटी बुक वेरी थॉरली। ओके, सो बाय बाय, थैंक यू फॉर टुडे।